दोस्तों, मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया कि कैसे हमने इस फॉल्ट को फाइंड करना है, ठीक है ना। और आपको मैं दिखाया भी है कि किस तरीके से हमने इसको फॉल्ट को फाइंड किया है। तो इसी तरीके से आपने भी फॉल्ट को फाइंड करना है, कि हम भी आपको ट्रेसिंग करना इसी तरीके से बताएंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया सैमसंग S4। सैमसंग का S4 है जिसकी अभी टच नहीं चल रही, तो अभी मेरे पास फोल्डर भी नहीं है, तो मैं इसको आपको चेंज करके चेक कराया था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी सब कुछ बंद है। तो ये हमारे किसी रिलेटिव का है, तो ये आज मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने सोचा इस पर मैं आपको एक वीडियो बना के दूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प होती रहे, कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई फ़ोन आ जाता है कि आप भी उसको बहुत ही अच्छे से तरीके से बना पाएँ। तो वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, कैसे ट्रेस किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कोशिश पूरी करूँगा इसको बनाने की और आपको एक एक चीज़ दिखाने की अपने माइक्रोस्कोप पे, और आपको एक एक चीज़ बताऊँगा किस चीज़ के अंदर हम कमी होती है। और वैसे भी ये एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, इसके अंदर टच अलग नहीं आती, ठीक है ना। इसका पत्ता अलग बनता है, मगर इसका जो फ्लक्स होता है, जिसका LCD का फ्लक्स होता है, एक ही होता है। तो इसके अंदर ही टच का पत्ता होता है, तो इसके अंदर हम प्रॉपर चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे इसकी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे इसको हम ठीक करेंगे। पूरी कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की और आपको दिखाने की एक एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है, आपको प्रॉपर डीपली काम समझना है कंपोनेंट्स के बारे में, IC के लेवल के बारे में, चिप लेवल में क्या क्या चीज़ें सावधानियां होती है, क्या क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से IC निकालनी है, किस तरीके से नहीं निकालनी, कौन सी IC कब ख़राब है, ये भी पता होना चाहिए। रीज़न आजकल पता नहीं है किसी को, बस IC निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, कुछ पता नहीं है, बस अंदाजे से काम चल रहा है। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक इस तरीके से बताएंगे कि आपके पास सेक्शन वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से सेक्शन वाइज पढ़ाया जाएगा, आपको उसी सेक्शन में पर्टिकुलर काम करना है और उसी सेक्शन के हिसाब से आपको डायग्राम रीड करना है। रीड करने के बाद आपको प्रॉपर आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों पहले वाला काम नहीं रहेगा, आजकल प्रॉपर स्मार्टफोन आ गया, स्मार्ट एक एक चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें हो चुकी हैं अब, तो इसलिए पहले वाला वक्त चला गया है। अब आजकल जितने भी हैं सब डायग्राम के हिसाब से काम चल रहा है, तो आप आओगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा ही नहीं। बाकी हैंड स्किल वगैरह इम्प्रूव हमारा टेंशन है, आप लोगों की हैंड स्किल इम्प्रूव करना, कैसे मैं करूँगा वो मुझे पता है, मैं आपको कैसे करवाऊँगा काम, तो वो तो आप आएंगे तभी पता चलेगा। बाकी आपका देखा ही होगा आपने, हमारा पहले भी सॉरी फ़ोन आ गया था, पहले भी आपने दोस्तों देखा ही होगा कि हमारा काम पहले ही और पहले भी वीडियो में आपने देखा ही है। इसी तरीके से हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे और आप को जो भी हमारी शॉप एक्चुअली क्या है, हमारी शॉप है और शॉप से जो भी काम आता है तो हम पूरा लाइव जो स्टूडेंट्स के आगे दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपने काम स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो आपका प्लस पॉइंट यहां पर ये हो जाता है कि स्टूडेंट का, कि जो भी हमारी शॉप से काम आता है वो भी देखता रहता है और प्लस काम भी सीखता रहता है, जल्दी इम्प्रूव करता है। तो बाकी आप यहाँ आएंगे तभी पता चलेगा। और हमारे ये जो आप नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें आपका अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और कोर्स लिखकर। अगर आपने हमारे यहाँ ज्वाइन करना है सिर्फ 3 ही चीज़ें लिखनी है आपने, ठीक है ना। आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स टाइप करके भी भेज देंगे, तब भी हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा जो मैं आपको बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाने, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेगी। और जो ऑल बटन देख रहे हैं दोस्तों उसको दबाना ना भूलना, मेरी जितनी वीडियोस हैं आपके पास आती रहेंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए इसको बनाते हैं, सैमसंग का S4 टच नॉट वर्किंग, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी इसके अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर आ रही है टच की दिक्कत। तो अभी मैं इसको खोला ही था, बस स्क्रू वगैरह इसके खोले ही थे, तो मैंने सोचा आपको मैं वीडियो बना के दूँ, तो इसका ही मैंने स्क्रू खोल लिए थे, ठीक है ना। तो मैंने स्क्रू खोलने के बाद मुझे लगा कि मेरे को इस पर वीडियो बना लेनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे बने ना बने वो आपको दिखाने से मतलब है मुझे कि आपको दिखा दूँ, एटलीस्ट आपके पास इस टाइप का कोई फ़ोन आ जाता है तो आप भी काम कर पाएंगे। तो इसको भी मैंने खोल लेता हूँ, क्योंकि इसके स्क्रू तो मैंने खोल लिए थे और बाकी आप देख सकते हैं टच नहीं चल रही इसकी। ये देखिए मैं प्रॉपर टच कर रहा हूँ बट टच नहीं चल रही, ये देखिए
ये देखिए मैं मारने की आवाज़ कर रहा हूँ, ऊपर कोई ऐसा नहीं है, टच नॉट वर्किंग, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ और खोलने के बाद ट्रेस करते हैं कि कहाँ से दिक्कत है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन की कंडीशन बिल्कुल ओके है। इनका कहना है कि मैंने ये इस जो शॉप पे दिखाया था किसी के, तो वहाँ ये फ़ोन डेड था। एक्चुअली क्या था, ये कस्टमर का फ़ोन डेड था, तो ये किसी से, मतलब ये हमारे रिलेटिव में है किसी का, तो उसने किसी और से ठीक करवाया था, उसने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसकी टच वर्क नहीं हुई। तो अब मेरे को इस पर ट्रेस करना है कि कहाँ से इसका डेड हुआ था, ठीक है ना। अब डेड हुआ था या इसकी बैटरी डाउन हुई थी, कस्टमर को कुछ पता ही नहीं है, कस्टमर ने सीधा डायरेक्ट शॉप पे दे दिया। अब आप समझ सकते होंगे उसने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। तो कोई नहीं, इसको हम ट्रेस करते हैं कि टच में क्यों नहीं टच क्यों नहीं चल रही, ठीक है ना। तो इसको मैं खोल लेता हूँ और मदरबोर्ड को, सबसे पहले दोस्तों मदरबोर्ड खोलने के पहले, मदरबोर्ड में काम करने से पहले हमेशा टच का जो फ्लक्स है, ये जो LCD का फ्लक्स है, इसको अच्छे से देख ले कि इसका कनेक्टर वगैरह कहीं टूटा तो नहीं है, और इसका जो कनेक्टर है यहाँ पर कहीं टूटा वूटा तो नहीं है, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स है। तो चलिए मैं आपको एक माइक्रोस्कोप पे इनकी झलक दिखाता हूँ, तो इन दोनों में बिल्कुल ओके है या नहीं ओके है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक बार डिस्प्ले का दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, कि इसके अंदर कोई पत्ता वत्ता कटा तो नहीं है, कि कहीं हमारी टच ही खराब हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं माइक्रोस्कोप पे लेके चलता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, होप सो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं एक एक चीज। तो ये देखिए दोस्तों, इसका अभी फिलहाल जो मैं फ्लेक्स दिखा रहा हूँ, इसका जो LCD का फ्लेक्स है बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी कोई कटे वटे का निशान नहीं है, तो इधर से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप ये चीज़ जरूर चेक करें कि आपके कटने वटने का इसका कोई निशान ना हो। कहीं पर क्या होता है, डिस्प्ले निकालते वक्त यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ से कट हो जाता है, तो ट्रैक ओपन हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ओके है, ठीक है ना, यहाँ पर भी बिल्कुल ओके है। ये देखो दोस्तों, ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो अभी इसकी डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपरली आ रही है, मुझे नहीं लगता ये डिस्प्ले में इसके पत्ते में दिक्कत है। तो इसका दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, कई बार पता पिछली साइड बैक साइड से पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ओके ही है, कहीं से भी पत्ता कटा हुआ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, शायद ये पत्ता कटा हुआ है, नहीं 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 कटा नहीं हुआ, मुझे लगा शायद कटा हुआ है, बट ठीक है, मेरा ये मुझे कन्फ्यूजन क्लियर हो गया दोस्तों, कि मतलब इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और ये इसका टच का फ्लेक्स है यहाँ पर जो लगता है, बट इसका टच का फ्लेक्स अलग नहीं आता, इसी के साथ जॉइंट है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक बार मदरबोर्ड को भी लेके चलता हूँ आपको, इसको रख देते हैं यहाँ पर और मदरबोर्ड को लेके चलते हैं। मदरबोर्ड पे चेक करते हैं हमारा इसका जो, ये देखिए दोस्तों, आप हमेशा जब भी इस टाइप का कोई फ़ोन आता है आपके पास, ठीक है ना, आप हमेशा पहले कनेक्टर्स, यानी कि आप इसके जो हमारे मदरबोर्ड के, मतलब जो डिस्प्ले का कनेक्टर और मदरबोर्ड का कनेक्टर, जो भी आपका टच या डिस्प्ले नहीं चलती, तो सबसे पहले आप यही चेक करा करें कि आपका कोई ट्रैक ऊपर तो नहीं हुआ, मतलब उठा तो नहीं हुआ, मतलब सोल्ड प्रॉपर होना चाहिए। तो आप इसको टच करके भी देख सकते हैं, या अचानक वैसे ही अभी आप अपनी आई टेस्टिंग से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी फ़ोन आता है दोस्तों, सबसे पहले आई टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है हमारी लाइन में। आपका आपको कहीं पर भी देखने से पहले आई टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है,
मतलब एक एक चीज के बारे में आपको देखना जरूरी है कि एक एक करके आप टच करके देखिए कि कहीं पर कुछ उतरा हुआ तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं उतरा हुआ, बिल्कुल परफेक्टली लगा हुआ है, ठीक है ना। और कंपोनेंट भी ऑलमोस्ट सारे ही लगे हुए हैं इसके अंदर। तो अभी इसका मेरे पास डायग्राम अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो डायग्राम ना अवेलेबल होने के कारण मेरे पास इसका मदरबोर्ड मैंने एक सर्च करके रखा हुआ था, ढूंढ के रखा हुआ था अपने पास, ये रहा मेरा, तो इसको ट्रेस करने में हमारे को थोड़ी सी आसानी होगी इस मदरबोर्ड से। आपको दिखा दूँ मैं, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा मदरबोर्ड पड़ा हुआ था S4 का, बाई चांस की बात है, तो इससे मैं ट्रेस करूँगा क्योंकि मेरे पास इसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है और मुझे पता नहीं चलेगा कि टच की लाइन कौन सी है। हालांकि मैं इससे भी ट्रेस कर सकता हूँ, मतलब इस लाइन को मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर टच की लाइन कौन सी है, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखिए मल्टीमीटर को, आप मल्टीमीटर पे ध्यान देते रहिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखकर। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इसको ऐसे, और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, और जो हमारा टच का फ्लक्स है ये देखिए, टच का जो फ्लैक्स है, जो पत्ता है हमारा, होप्स आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो अभी आप यहाँ पर एक रखिए यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे दौड़ाएं, मतलब टच करके एक एक करके देखिए कहीं पर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये देखिए यहाँ पर आ रही है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दसवें नंबर पत्ते पे, मतलब ये टच की लाइन है, ठीक है ना। आप ऐसी भी ट्रेसेस को आराम से कर सकते हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा कि टच की लाइन आखिर है कौन सी। तो देखिए यहाँ पर भी देखता हूँ मैं, यहाँ नहीं है, ये देखिए यहाँ पर अभी बीप आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक इसकी टच की लाइन है। ऐसे ही इसको प्रॉपर ये जो जितनी भी लाइन है, जितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 लाइन का पत्ता है, देखिए आप ये जो गोल्डन गोल्डन दिख रहे हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लाइनों का पत्ता है, ठीक है ना। ये 8 की 8 आप लाइनों को ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कौन सी लाइन इसके अंदर जा रही है। अब मुझे इसके बारे में पहले ही पता है क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने S4 बहुत बार किए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है S4 की, बहुत पुराना मॉडल है ये, ठीक है ना। तो अभी लेटेस्ट के फ़ोनों में ज़्यादा डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है, इन पुराने फ़ोनों की तो ऑलमोस्ट सारे हमने कर रखे हैं ऑलमोस्ट। तो अभी मैं आपको ये बताना था कि हम कैसे ट्रेस करेंगे कि हाँ पत्ते के अंदर कौन सा जो टच का लाइन है, वो पता कैसे चलेगा कि हमारे को टच की लाइन इसमें कहाँ पर है, ठीक है ना। आपको यहाँ टच करके यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेशर्स है, जो बेसिक नॉलेज नहीं जानते, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है ये। कहीं एक्सपर्ट्स कमेंट कर रहे हैं सर ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये जो जिनको नहीं आता, जो सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग जैक और पत्ता निकालना जानते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे ट्रेस करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है ये। तो अभी मैं इसको यहाँ रखता हूँ साइड में और अपना इस बोर्ड को ले लेता हूँ, जिस बोर्ड में अभी कस्टमर का जो ये बोर्ड आया है ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा हमारे को मत्था भी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी मैं आपको बता देता हूँ। जिसके पास भी ये हो के आया है आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपोनेंट मिसिंग है, ये देखिए आप देख सकते हैं 1, 2, 3 नहीं, 2 ही कंपोनेंट मिसिंग है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कंपोनेंट मिसिंग कर रखे हैं, जिसके अंदर इसके अंदर ये आप मैं दिखा देता हूँ, ये पैरेलल में लगा हुआ है या सीरीज में लगा कंपोनेंट है,
तो आप यहाँ पर भी ध्यान देते रहे दोस्तों। तो अभी मैं इसको कोल्ड टेस्टिंग के दौरान चेक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी लगाता हूँ, यहाँ पर भी लगाता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर लगा के चेक करना है ये लाइन कौन सी जा रही है, तो मेरे को वैसे तो दिख तो रही है लाइन कौन सी है। तो देखिए बीप आ रही है यहाँ पर, और ये भी इसकी बीप आएगी यहाँ पर, तो मतलब ये दो लाइनें इसके अंदर मिसिंग है। अगर मिसिंग आ रही है तो इसके अंदर हमारे को कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, तभी इसके अंदर टच चलेगी, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर इस जगह में दो कंपोनेंट लगा लेता हूँ। मेरे पास ये मदरबोर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास एक मदरबोर्ड अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स हैं, जो जिस टेक्नीशियन ने इसको फ़ोन को खोला था, मतलब ये डेड की कंडीशन में लिया था, मुझे नहीं पता ये उसने निकाल लिए क्या करा। मैं किसी के ऊपर नाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि उसने इतनी सी चीज़ नहीं देख पाया, पता नहीं क्यों नहीं देख पाया। उसके पास ये डेड फ़ोन के लिए गया था, और डेड फ़ोन में उसने पैसे तो भर लिए, पर टच के अंदर उसने बहुत ज़्यादा पैसे भर लिए मतलब कस्टमर से। कस्टमर ने मुझसे बात करी, और तो मैंने उनको कहा मेरे घर पे ले गया हो, मैं देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ। तो मैंने अब खोला है, और खोल के देखा है कि इसके अंदर ये कॉम्पोनेंट इसके अंदर थे नहीं। तो मेरे पास ये बाई चांस की बात है, मेरे पास एक सैमसंग का S4 का एक बोर्ड पड़ा हुआ था, डेड बोर्ड, तो उस पर मैंने उस पर चेक किया, तो ये दो कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर निकले हुए थे। तो अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस कॉम्पोनेंट्स को निकाल के इस पर लगाता हूँ, ठीक है, और चेक करते हैं कि हमारी टच वर्क करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करती तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको एक बार निकाल लेता हूँ कंपोनेंट्स को, और इसको रख देता हूँ साइड में। और इस कंपोनेंट को बोर्ड को भी ये रख लेता हूँ साथ में, और सिल्वर टेप लगा देता हूँ कि हमारे ज़्यादा ओवरहीट से हमारे जो साइड में जो सिम का पत्ता है वो जल ना जाए। वैसे तो जलता नहीं है, मगर सेफ्टी आप अपने आप पहले लेके चले तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। चलिए मैंने लगा लिया है इसको, और मैं अभी फ़िलहाल इसकी पेस्ट थोड़ा सा लगाते हैं फ्लेक्स। और यहाँ पर भी फ्लेक्स लगा लेते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा आप कहोगे कि सर ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ नहीं है ये। अगर आपको कंपोनेंट की नॉलेज है तो शायद आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है, जिसको कंपोनेंट की नॉलेज नहीं है, किसी को पता ही नहीं है सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो फोल्डर ही चेंज करता रह जाएगा, वो कहेगा मैंने सर चार फोल्डर चेंज कर दिया, और उसके बाद आखिरी में क्या कहेगा कि सर सॉरी कस्टमर को कहेगा ये तो बोर्ड में दिक्कत है, मदरबोर्ड में दिक्कत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग कहते हैं बहुत छोटी चीज़ है यार ये, और देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, कंपोनेंट से सारा काम बनता है। चलो मैं एक बार एक करके देख लेता हूँ, पता चले ये कंपोनेंट लगाने के बाद भी ना चले। तो एक बार मैं लगा के चेक करता हूँ, लगा के चेक करेंगे उसके बाद बात करेंगे।
तो दोस्तों इसको मैं रख देता हूँ साइड में। इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं थैले लगा के। कोशिश करते हैं दोस्तों आपको पूरा एक एक चीज बताने की और चेक करते हैं कि ये वर्किंग हुआ या नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। कोशिश पूरी करता हूँ मैं एक एक चीज बताने की दोस्तों। सिल्वर टेप मैंने निकाल ली है, देख सकते हैं आप दोस्तों। अभी मैंने कंपोनेंट प्रॉपर लगा लिए हैं इसके, अच्छे तरह जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार डिस्प्ले पे लगा के देखता हूँ। उससे पहले मैं एक बार यहाँ ट्रेस करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आने चाहिए वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये वाली लाइन है प्रॉपर आ रहे हैं और एक ये लाइन है यहाँ पर भी प्रॉपर आ रहे हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको दूसरे कैमरे पे लेके चलता हूँ। चेक कराते हैं एक बार हम, इसको बंद कर लेते हैं, इसको साइड रख लेते हैं और इसको के बाद दोस्तों आप हमारे एडमिशन लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, आप अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और मोबाइल कोर्स टाइप करें, लिखें कि मोबाइल कोर्स करना है तो आपको हम डिटेल सेंड कर देंगे। तो अभी ये ऑन होगा दोस्तों। ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, समय लगाता है। और हमारे इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन करना है दोस्तों, आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप हमारे को कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर क्या करना है एडमिशन के लिए, तो मैं आपको ये बता दूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख कर और अपना सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है ये लिख कर आप व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पर जो आप नंबर फ्लैश देख रहे हैं आप 9999184375 पे। आपको जुलाई बैच के लिए एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी ऑन हो चुका है, ठीक है ना। ऑन होने के बाद अभी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल टच ओके रिपोर्ट चल गई थी। इसका दोस्तों दिक्कत वही थी कंपोनेंट्स के अंदर, मैंने ऑलरेडी एक बार इसको ट्रेस कर लिया था, तो मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना वीडियो एक दे दूँ कि जिससे आप लोगों की भी हेल्प होती रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो फिलहाल ये बिल्कुल ओके है और टच इसकी भी हम चेक कर लेते हैं, टच भी ओके है, इसकी टच भी ओके ही है। ये देखिए चले। थैंक यू दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग सॉल्यूशन के साथ, अलग एक मेथड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और आसपास सफाई रखें दोस्तों, पशु पक्षियों को पानी ज़रूर दें, थैंक यू सो मच।